Sanjay Seth, SP. आपका समय पहले गया है, दो तीन मिनट बोलिएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये बजट जो है बहुत ही निराशाजनक दिख रहा है, क्योंकि आम जनता को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी। इस बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही है वो है 10 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसको दो भागों में बांटा था। एक था स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए, उसको लोगों को सुविधाएं नज़दीक से मिले इसके लिए, और दूसरा था और यूनिलैटरली पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने उसको 3 घंटे कर दिया। मैंने सुबह भी बताया था कि अगर पार्टी का काटना है दूसरी पार्टी का मत काटो, तो उसकी वजह से सारा टाइम टेबल गड़बड़ हो गया, जहां हमने एक एक मेंबर को 15-15 मिनट रखे थे या 10-10 मिनट थे, वो अब 3 मिनट में कन्वर्ट। ठीक है, अब जब बड़े आराम से शांति से सदन चल रहा था तो क्या क्या फिक्र थी कि भाई 2 घंटे और चढ़ता, तो हमारे जो आज दिन के लिए 6 घंटे बजे थे आपने एकदम उसको स्लैप लगा दिया, 3 घंटे कम कर दिए। कल 8 घंटे चला, कल तकरीबन 7 घंटे चला था या 6 घंटे चला था, 6 घंटे आज बाकी थे, तो उसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो गया। अब जो होगा ठीक है। जी, माननीय मंत्री जी ने इसको दो भागों में बांटा है स्वास्थ्य के लिए। उसमें एक पहला है स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ावा, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नजदीकी से उपलब्ध हो, और दूसरा है 10 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख की सुविधा। मैं दूसरे बिंदु के ऊपर जाना चाहता हूं, जो कि बहुत ही प्रचारित किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन अगर इसके आंकड़े देखे जाएं तो इसमें इस साल का जो स्वास्थ्य के लिए बजट एलोकेट किया गया है वो 52,800 करोड़ रुपए का किया गया है, जबकि पिछले साल इसका बजट 51,580 करोड़ था। तो यानी केवल 1,250 करोड़ रुपए इस बजट में बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ एजुकेशन सेस के नाम पे 3% जो लिया जा रहा था वो अब बढ़ा के 4% कर दिया गया है, और उसका नाम रखा गया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यानी 1% आप जनता से लेंगे और उसको फिर इसी चीज को गरीबों में बांटेंगे। तो ये आपने कोई उसका, इस सरकार ने उसमें कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, जनता से वसूल के जनता ही को वापस करने की बात है, और वो भी ये पूरा नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। दूसरा, जो वेलनेस सेंटर बनाने की बात हो रही है, इसमें 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाने के लिए कहा गया है, और उसके लिए 1200 करोड़ रुपए उन्होंने एलोकेट किए हैं, यानी कि एक सेंटर बनाने में 80,000 रुपए। अभी जो सब सेंटर चल रहे हैं माननीय उपसभापति जी, वो सारे के सारे सेंटर ना उसमें रख रखाव है, ना उसके अंदर कर्मचारी है, ना उसके अंदर मेडिकल का सामान है। उस सारे सब सेंटर्स को छोड़ के एक नया बनाया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि पहले जो चल रहे हैं उसी को ठीक कराएं, उसी में वो पैसा लगाएं, इसमें एक नई चीज करके क्या फायदा हो रहा है। एक मिनट। जी अब सर, जिस देश में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसे गोरखपुर में हुई कि सैकड़ों बच्चे एक साथ मरे, वहां पे ऑक्सीजन की कमी, वहां पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, इस तरह के देश में स्वास्थ्य के लिए उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राधा ये लुभावनी चीजें दिखाएं और वो पूरी ना कर सके, क्योंकि पिछले साल 2 साल पहले के बजट में भी इसी तरह का एक प्रोविजन किया गया था, 1 लाख रुपए का उन्होंने बीमा कहा, लेकिन आज तक वो 30,000 के बीमे से ऊपर नहीं चल रहा है। दूसरा मैटर जो हमारा है वो है कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 1 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। यहां तक उन्होंने राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने उद्घोषण में यही कहा कि वो 1 करोड़ मकान में से 93 लाख मकान बन चुके हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये आंकड़े इनके पास आ कहां से रहे, क्योंकि जो लोकसभा में एक सवाल किया गया उसका जवाब जब दिया
तो उन्होंने बताया कि अभी तक केवल 21 लाख मकान केवल बने हैं। तो इस तरीके से ये जो बताया जा रहा है कि 93 लाख मकान बन चुके हैं, बने हैं एक्चुअल में 21 लाख है, तो ये सारी चीजें झूठी हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। दूसरा सर, इन्होंने अपने बजट में एक रियल एस्टेट के पॉइंट में ये रखा कि जो जमीन के दाम सिविल सर्किल रेट के हिसाब से होंगे उसमें अगर इनकम टैक्स में 5% का डिफरेंस होगा तो वो मान लिया जाएगा। अगर दिल्ली को देखें तो यहाँ पे जमीनों के दाम जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं और सर्किल रेट बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी भी शहर का सर्वे कराइएगा तो यही हाल है। अब गरीब आदमी या कोई भी आदमी एक मकान खरीदे, उसमें स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा दे, उसके बाद इनकम टैक्स भी ज्यादा दे, तो इसके लिए इसमें कोई प्रोविजन ऐसा होना चाहिए था कि वो 5% उसका एक सर्वे करा के 5 से 10%। धन्यवाद।